Good morning students how are you beta i hope you all are well and must be taking precautions for covid 19 please wear mask and use sanitizers while you go out of your home okay students also if you are at home carefully wash your hands with the hand wash and wash your hands properly अच्छी तरह से हाथ को धोएं स्टूडेंट्स ट्राई टू से लाइक डोर्स हैंडल्स, कहीं पर भी घर में हो चाहे आप कहीं बाहर भी हो थोड़ा सा अवॉइड करें बार बार उनको टच करना। ओके? विद आर लेसन नंबर सेवन दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट किंगडम प्लांटे जिसमें हमने उनके फाइव डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया था सब किंगडम्स थे डिविजन्स थे ग्रुप्स थे नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट किंगडम व्हिच इज एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया एंड यू नो स्टूडेंट्स सम फीचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट पजेस क्लोरोफिल इट मीन्स की दे आर Heterotrophs, their mode of nutrition is heterotrophic, that is, they depend on other organisms for food. Okay, they are eukaryotic organisms. And if you see cell wall, like it is present in plant cells, but it is absent in animal cells. Also, strains reproduction is mostly sexual, and if there is asexual reproduction, it is found in lower forms. Okay. And also, strength, during development, the multicellular embryo is formed from the zygote. And they require oxygen for aerobic respiration, means they do respiration in the presence of oxygen. So, these are some features of kingdom animalia. Now, when kingdom animalia

Austrians, अगर हम सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें, मतलब उनके सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बट वो क्या नहीं बनाते टिश्यूज ओके okay? और नेक्स्ट लेवल जो है वो है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको पता है हमारे अंदर सेल्स दे मेक टिश्यूज टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन्स देन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म ओके सो द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर द क्लासिफिकेशन एंड जो बाकी के सभी फाइलम्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स देन सेकेंड जो फीचर है जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज प्रेजेंस और एप्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी क्या है स्टूडेंट्स द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल जो बॉडी वॉल है एंड द एलिमेंट्री कैनाल उसके बीच का जो स्पेस है हम उसको क्या बोलते हैं बॉडी कैविटी ओके एंड ऑन दिस बेसिस प्रेजेंस और एपसेंस के बेसिस पर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस नंबर वन एलोमेट्स

नंबर इज जिनको हम कॉमनली सीलम ट्रेट्स भी कहते हैं फाइलम सीलम ट्रेट्स एंड नंबर टू इज प्लेटी हेलमिंथिस आर विदाउट द बॉडी कैविटी नाउ नेक्स्ट इज सुडोलमेट ओके इन दीज एनिमल्स टूडेंट्स जो बॉडी कैविटी है दैट इज लोकेटेड बिटवीन टू जर्म ले जर्म लेको फाउंड इन राउंड वर्म्स ओके तो इसमें द ओनली फाइलम विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी इन अंडर दिस फीचर यू कैन से दिस इज नीमेटोडा कौन सा फाइलम आता है इसमें नीमेटोडा ओके okay,

फाइलम था इसमें प्लेटी हेलमेंथस देन द सुडोसिलम है जहां पे फॉल्स बॉडी कैविटी हम जिसको बोलते हैं दैट उनमें सिर्फ जो हमारे फाइलम आता है वो ओनली फाइलम इज नीमेटोडा एंड देन द एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी ओके जिसको हम सीलम बोलते हैं एंड सिलोमेट्स बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को सो so, उनमें आपके जो आते हैं कौन से फाइलम है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मुलास्का And cordata. Cordata के भी अभी आपको आगे आप फीचर्स पढ़ेंगे इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और किंगडम एनिमेलिया सो एनिमल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू द फॉलोइंग ग्रुप्स और वी से फाइलम क्या वर्ड यूज करते हैं फाइलम फॉर प्लांट्स वी यूज डिविजन एनिमल्स जो सबसे नंबर वन हमारा आफ्टर किंगडम इट इज डिवाइडेड इंटू डिटलोडा एंड देन हमारा कॉडेटा आता है में हमारे पास दोनों है प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टीडा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट फाइलम विच इज पॉरीफेरा रा so, स्टूडेंट्स अभी हमने नंबर वन पढ़ा था सेल्युलर जो लेवल है सेल्यूलर लेवल जहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का था वो हमें पॉरीफे में देखने को मिलता है द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विथ पोर्स ओके एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया ओके स्टोन ये जो एनिमल्स हैं दे आर एक्वेटिक पानी में रहते हैं बॉडी सभी पूरी बॉडी पर इनके क्या होते हैं पोर्स होते हैं छोटे छोटे एंड दिस जो पोर्स है मिलकर दे लीड टू कैनाल सिस्टम एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट्स विच हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो बॉडी के थ्रू जो है वाटर को सर्कुलेट करते हैं एंड थ्रू दिस वाटर वो क्या लेते हैं दे टेक फूड एंड ऑक्सीजन ओके सो ये जो पोर्स हैं मिलकर एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं और जो हेल्प करते हैं वाटर को सर्कुलेट करने में विच ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन These animal students, ये जो एनिमल्स है इनका हार्ड आउटर स्कैलेटन होता है दे हैव हार्ड आउटर स्कैलेटन एंड अगर आप देखेंगे इनमें जो डिफ्रेंसिएशन uh, होता है टिश्यूज का वो नहीं है ओके द बॉडी डिजाइन इन वर्ल्ड वेरी मिनिमम डिफ्रेंसिएशन बहुत कम ही डिफ्रेंशिएट होते हैं बॉडी पार्ट इनके अलग अलग से एंड टिश्यूज का तो डिविजन है नहीं डू नॉट है okay? They do not have any tissues. दे आर स्ट्रेंड्स इनको कॉमनली हम इन पॉरीफेर को कॉमनली वी कॉल्ड स्पॉन्जेस ओके और अगर आप बात करेंगे स्पॉन्जेस की तो स्पॉन्जेस अगर आप याद है दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ओके सेल्स दे आर लूजली अरेन्ज इन टू टू ले They are like spongilla, cycan, euplectilia, and euspongia, bath sponges. Hai, hum use karte okay, so these are some examples of next phylum we have in Kingdom Animalia is ceilantrita or snideria. Okay, friends. If we talk about sealantrates, they are aquatic animals, means they live in water. एंड मोस्ट ऑफ दिलेंट्रेट दे आर मैराइन एनिमल्स एक्सेप्ट अगर हाइड्रा देखेंगे इट इज अ फ्रेश वॉटर स्निजेरियन और बॉडी ओके इनकी बॉडी में कैविटी होती है एंड द बॉडी इज मेडअप ऑफ टू लेल्स आउटर लेयर एंड इनर लेयर ओके मीन्स द बॉडी वॉल जो है इट इज उनकी सिमिट्री दे आर रेडियली सिमिट्रिकल नाउ यू अंडरस्टैंड की ये टर्म्स हम कैसे यूज करते हैं रेडियली सिमिट्रिकल मीन्स द रेडियल सिमेट्रिकल रेडियली सिमिट्रिकल बॉडी इट कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हार्फ्स ओके okay. किसी भी प्लेन जो भी प्लेन इनके चाहे मिडल से हो या टॉप टू बॉटम हो कोई भी प्लेन जो इनसे पास कर रहा है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिमिलर हाफ्स सो दिस दे आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स ओके एंड दे हैव अ ब्लाइंड सैक लाइक एक बैग लाइक बॉडी प्लान होता है फ्रेंड्स इनमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है कंपैरेटिवली uh, पॉरीफेरन से देन दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन एंड अंडर द कौन सा इनका लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यहां से हमारा हो जाती है बॉडी uh, जो इनके लिए दोनों चीजों का काम करता है माउथ एज वेल एज एनएस मतलब फूड इज टेकन इन एंड द डाइजेस्टेड फूड इज पास आउट थ्रू द सेम ओपनिंग ओके okay. स्टूडेंटेरियंस uh, जो है दे हैव टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर उनके पास टेंटेकल्स होते हैं फ्रेंड्स एंड दे आर फाउंड ओनली इन ये इनकी स्पेशलिटी है कि सिर्फ ये स्नेडेरियंस में मिलते हैं दे यूज इट फॉर डिफेंस नॉट फॉर कैचिंग इट स्प्रे ऑल्सो स्नेडेरियन स्टूडेंट दे लिव इन कॉलोनीज लाइक कॉरल्स ओके मिलकर रहते हैं कॉरल्स की तरह जबकि कुछ हैं जो अकेले रहते हैं सोलिट्री लाइक हाइड्रा ओके एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम दे आर जेलीफिश सी ओके फाइजेलिया एटसेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सीलन ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट फाइल द नेक्स्ट फाइलम in our kingdom animalia is Platyhelminthes, or they are called flatworms these animals the animals in this phylum they are called flatworms because the body is flattened means from top to bottom the body is flat so they are also called flatworms okay they have flat body which is bilaterally symmetrical you know that bilaterally symmetrical means the left and right halves of the body. Your left half hai or or right half hai, the both halves of the body they have the same design. Now they have three layers of cells and they are called triploblastic. Three layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm. Okay, so they are called triploblastic and uh, string so in this.

टू अदर ग्रुप्स लाइक पॉरिफेन एंड सिलेंट्रेट उनसे बेटर इनकी जो है बॉडी डिफ्रेंसियन हुआ है बॉडी डिजाइन हुआ है ओके देन ऑल्सो स्टूडेंट दीज एनिमल्स विच

का जो साइंटिफिक नेम है इंटेस्टाइन एंड हैव एलिमेंट्री क्यों क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जो पहले ही होस्ट की बॉडी ने फूड को डाइजेस्ट किया हुआ है उसी फूड को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं सो दे जो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज इनकम्प्लीट इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिशन सो जनरली इट इज एनरॉबिक

this is all about our phylum plati now we will study the next phylum yes the next phylum of kingdom animalia is nematoda so in Nemetoda, if you look, these animals they have cylindrical body okay so this phylum includes Roundworms and the threadworms. Again, the there are more than fifteen thousand known species of roundworms, and phylum Nematoda is also called nematodes. Okay, Nimen, nema means thread, and helminth means worms. So the body is bilaterally symmetrical. Again, the two similar halves. कैन बी uh, taken, can be seen, and it is triploblastic. ब्लास्टिक जो बॉडी है वो ट्रिप्लो ब्लास्टिक है मीन्स इट हैज ऑल द थ्री लेयर्स एंड्रोडर्म एक्टोडर्म एंड जैसे students आपको बताया था पहले भी कि ये सारे टर्म्स आपको अगेन यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि अब आपको इनके मीनिंग मालूम है तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हम किस फीचर की बात कर रहे हैं नेक्स्ट फीचर true दे डू नॉट pseudo Silimates होते हैं ये ओके दे देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन जबकि इनमें अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और जिसको हम सुडोसिलम कहते हैं इस तरह से प्रेजेंट रहती है बट ओनली टिश्यूज आर देयर कोई रियल ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वहां पर स्टूडेंट्स इफ वी सी द जो बॉडी है इट इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज टेपरिंग मीन्स की दोनों एजेस पर जो दोनों एंड्स हैं वहां से ये टेपर होती चली जाती है कॉर्नर्स बनते चले जाते हैं एंड द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड जो बॉडी है उसमें आपको हेड और ट्रंक में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नजर नहीं आएगा द बॉडी इज कवर्ड बाई अ टफ क्यूटिकल एक टफ क्यूटिकल लेयर होती है जिससे इनकी बॉडी को कवर रहती है ये जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या तो वो स्ट्रेट होता है या फिर वो कर्व होता है थोड़ा सा और अगर आप ऑर्गन सिस्टम्स की बात करेंगे लाइक like रेस्पिरेट्री और सर्कुलेट्री सिस्टम्स दे आर एबसेंट वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वो मेल एंड फीमेल वर्म्स डिफरेंट होते हैं फ्रेंड दे हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड ऑल्सो दीज एनिमल्स विच आर इन दिस फाइलम निमेटोडा सो दे आर आइदर फ्री लिविंग और दे आर पैरासाइट्स या तो वो फ्री लिविंग होते हैं और दे आर पैरासाइट्स पैरासाइट्स में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पैरासिटिक वर्म्स की विच कॉज डिजीजेस लाइक इफ यू सी एस्कैरिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं इट इज अ पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन स्पेशली इन चिल्ड्रन बच्चों में स्पेशली हो जाता है ये एस्कैरिसके एंड अनदर यू कैन से वुचेरिया और फिलेरिया जिसको हम बोलते हैं फिलेरियल वर्म हमने अभी वाई डू वी फॉल इन लेसन में भी रीड किया था ये इट लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स और इट कॉजेस फिलेरिस जिसको हम एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं

some of them are free living also okay so this is about friends our phylum nematoda now next phylum we have is anilida next phylum is anilida this is the fifth phylum of kingdom animalia which is anilida friends if we talk about anilids these animals are also bilaterally symmetrical

They are found in variety of habitats like freshwater, marine water, as well as on land. If we talk about strengths, excretory organs, they are long and coiled tubes. Excretory organs, they are very long or coiled tubes, which are called nephridia in my digestive, circulatory, and excretory organs. They are very well developed. बहुत अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड सिस्टम आपको नजर आएगा एंड दे रेस्पायर मेनली बाय स्किन और सम एनिलेट्स दे आल्सो डेवलप गिल्स ओके द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एनिलेट्स आर अर्थवॉर्म नीरिस लीच दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिलेट्स उसमें अर्थवॉर्म तो आपने सुना होगा इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज इट हेल्प्स इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल अलोंग विदेस्टेड फूड ओके जो आपको छोटे छोटे ऐसे आपको राउंडराउंड स्ट्रक्चर सॉइल के देखने को मिल जाते हैं जहां पर इनके बरोज की ओपनिंग होगी So they are called farmer's friend because they help in loosening the soil, soil ko well aerate kar lete students and also they help in making the soil fertile. So these earthworm students they are nowadays they are also used in making uh, compost or uh, by the method which is called vermicomposting and this is a very good quality manure.

अब इसके बाद के जो और फाइलम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड आई होप कि ऑल द फाइव फाइलम्स दे आर क्लियर टू यू इनके फीचर्स को इनके करेक्टरिस्टिक्स को लर्न करना बहुत जरूरी है इन्हीं से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं और किस फाइलम को ये बिलोंग करते हैं ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ओके